ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई रीडिंग लेके आए हैं जो कि होगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की। देखेंगे अगले एक हफ्ते आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनके नेक्स्ट एक्शन। तो आज का टॉपिक होगा ये। सबसे पहले मैं जितने भी लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आज आप पहली बार आए हैं, और अगर आगे भी आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट, ये एक जनरल रीडिंग है। आप इस रीडिंग को बिल्कुल भी अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा कि मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं, ऐसा करता ऐसा। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, पूरी राशि की रीडिंग होती है, तो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ खुद पर डालने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आपसे मैच करे, हो सकता है वो आपसे ना करे, तो इसलिए लाइट मूड में इन रीडिंग्स को देखिए। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर ऊपर मेंशन्ड है, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं और रीडिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं दूसरी रीडिंग में होती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाती, और शायद आप लोगों को लगता है कि मैम तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रही। भाई देखिए, मैं दूसरी रीडिंग में हूँ, मैं कैसे उठा लूँ एकदम से। सो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए इन चीज़ों को। डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप पर ही होती हूँ। हो सकता है इमीडिएटली ना रिप्लाई करूँ, 5-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूँ, बट मैं ही करूँगी। मेरा नंबर कोई हैंडल नहीं करता, आई एम द ओनली वन। ठीक है, सो अब जल्दी से ये बातें क्लियर करने के बाद अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अगले एक हफ्ते के लिए, वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो निकालने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या है उनकी इंटरनल फीलिंग्स दिमाग में। द टावर, द हेरोफेंट, जस्टिस, 3 of Swords एंड द डेविल। देखिए, आई एम सॉरी टू से बट द मोस्ट नेगेटिव रीडिंग आपकी आई है जेमिनी, और ये पर्सन तोड़ना चाहता है इस रिश्ते को, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ना चाहता है। इस टाइम इसकी जो एनर्जी है हाईली नेगेटिव है, हाईली ये पर्सन डिसीजन बना रहा है इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने का। जस्टिस का कार्ड शायद ये इसलिए आया है कि इसे लगता है कि शायद अब इसे तोड़ देना ही सही होगा। अगर ये अभी भी इसको लिंगर ऑन करेगा, अभी भी थर्ड पार्टी के आने के बाद भी इसका रिलेशनशिप को और खींचेगा, तो वो आप दोनों के लिए पेनफुल होगा। मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को संभालना चाहता है, बनाना चाहता है। इसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव ऑरा चल रहा है, या तो ये एडिक्ट हो गया है किसी चीज़ से और उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहा, और पूरी आपकी तरफ से या तो कोई थर्ड पार्टी आ गई है या इनकी तरफ से वो थर्ड पार्टी इन्हें नेगेटिव कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम, बट क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ भी मैं ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ ये तो होगा ही। बहुत सारे जेमिनाइज हैं तो कहना बहुत मुश्किल है कि उसकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। या तो थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है या थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है और उसकी वजह से नेगेटिव हो गए हैं, या इनकी एडिक्शंस हैं, या इनकी खुद की नेगेटिव सोच इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जो पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी चल रही है, जो बदलाव इनकी पूरी बॉडी में, माइंड में, पूरे बिहेवियर में आ रहा है, उससे गुजर रहे हैं ये। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये इंटेंट है इनका इस रिलेशनशिप को लेके। इंटेंट देखते हैं, 10 of Swords, 5 of Pentacles एंड 8 of Wands। देखिए, ये इनका एक ही इंटेंट है और वो ये है कि ये आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये और आपका अब रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्लियरली अब आपको बताना चाहते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, ये अगर आप दोनों के बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ये उसे लेकर अलग हो जाना चाहते हैं, फाइनल मूवमेंट चाहते हैं। एंडिंग के कार्ड्स हैं, बिल्कुल भी मुझे इनकी तरफ से पॉजिटिविटी नहीं दिख रही।
ना ही दिख रहा है कि ये कोई पैचअप में बिलीव करते हैं, सीधा दिख रहा है कि इन्हें ख़त्म करना है और ये मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। किसी तरह ये मैसेज आपको कन्वे हो जाए, किसी तरह ये चीज़ें आपको पता चल जाए। मुझे यहाँ से इनकी तरफ से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि ये इस रिलेशनशिप को बनाना या संवारना चाहते हैं दोबारा से। ठीक है, एक्शन वाइज देखूंगी मैं अगले डेक से क्या ये कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे ये, एक्शन क्या ये कोई एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पार्टनर आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। देखिए जेमिनी, आपके जो पार्टनर है ना, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि मेरी लाइफ में शांति आ जाए, मेरी लाइफ में मेरे फैमिली फ्रेंड्स मेरा साथ दें, हर कोई मेरा साथ दे। और उसके लिए उन्हें लगता है कि आपके साथ वो अपना हर एक रिश्ता कट ऑफ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। चीज़ों में आपको, मुझे नहीं लगता वो आपको 1% सही जवाब दे रहे होंगे किसी भी चीज़ का। आप भी शायद इनका ये रूड बिहेवियर, रूड एटीट्यूड देखकर अंदर से बहुत दुखी रहते होंगे कि देखो ये इंसान कहाँ से कहाँ आ गया, ये क्या था और क्या हो गया इसको। अब ये ग्रह दिशा भी हो सकती है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कभी कभी ग्रह दिशा भी होती है। ठीक है, बट अभी की जो इनकी करंट एनर्जीज हैं, जो नेक्स्ट एक्शन की हैं, फीलिंग्स देखी हमने, इंटेंट देखा हमने इनका करंट, तो वो यही देखा कि अभी एक हफ्ते में तो ये इनका ऐसा ही रहेगा जिसमें ये कड़ा रुख अपनाएंगे, नेगेटिव रहेंगे और आपको शायद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आपके साथ कहीं भी कनेक्टेड है। आपका कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बहुत दिल दुखा रखा है इन्होंने। ठीक है, सो ये मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रहा है। अब मैं डिवाइन की तरफ से देखती हूँ कि क्या डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है। तो सबसे पहला है, अपने माइंड को, बॉडी को आप क्लीन करें। आप अगर इनकी नेगेटिविटी में फंस जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप बाहर आइए इनके सोच से, इनकी जो क्रिएट की हुई नेगेटिविटी है उससे आप अपने आप को डिटॉक्स करें, खुद को संभालने की कोशिश करें, अपने आप को संभालें। देखिए डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ का है, आप अपने आत्मबोध में रहें, देखें कि आप क्या कर सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए। अब ऐसा पर्सन अगर आपको मिल गया है मान लीजिए, या ये संभल सकता है यहाँ से, या यहाँ से बेकार हो सकता है, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट गाइडेंस है इमोशनल सपोर्ट। तो अपने परिवार के साथ जितना हो सके जुड़ के रहिए, अगर ये आपके परिवार का हिस्सा है तो इन्हें भी सपोर्ट दीजिए, और अगर ये नहीं आपका सपोर्ट चाहते तो थोड़ा सा शांत रहकर देखिए कि किस तरह से आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनके साथ जुड़कर रहिए और जितना हो सके एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखें बाकी सब लोगों के साथ, ताकि लोग आपको आपके समय में मदद करें। ठीक है, सो ये है माय डियर जेमिनी आपकी रीडिंग, जो कि थोड़ी सी मुझे स्ट्रेसफुल लगी, बट देखिए आपको इन चीज़ों से समझना है, आपको इन चीज़ों को जानना है कि क्या आपको करना है, और उस हिसाब से ही आप डिसीज़न मेकिंग करें। ठीक है, सो अगर रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।